Kids, today we are doing introduction to trigonometry exercise 8.2. Okay, explained you before also. Learn this table. Okay, learn this table or draw this table by using some trick. ये table आपको पता होगी तभी आप ये exercise 8.2 को बहुत अच्छे से कर पाओगे. तो ये table को आप बहुत अच्छे से learn कर लीजिए. Now question number 1. We are doing right now 5th sum. ठीक है, question number 1, 2, 3, 4 already we had done. Now this is 5th question. तो अभी आपको बहुत easy हो गया होगा ये. जैसा कि मैंने आपको कहा table पता होगी तभी आप ये question को कर पाओगे. ठीक है, so learn that table. Now what is given? 5 cos square 60. Here 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30. इसकी हमें क्या करना है? यस, अब तो आपको पता होगा हमें इसकी. सो पहले की तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे. ये हमारा क्वेश्चन है और हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पर हमने टेबल ले ली है. अब वन बाई वन वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यूज ऑफ दिस रेशियोज. कॉस 60, कॉस 60 कितना होगा? कॉस स्क्वायर 60 पूछा है. कॉस 60 जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें कॉस स्क्वायर 60 मिल जाएगा. कॉस 60 हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, फोर्थ क्वेश्चन में भी किया था. यस yes. तो आपको अभी तक तो याद हो गया होगा कॉस 60 इज 1/2. तो दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर अगेन, कॉस 60 इज 1/2. आपको पता है बार बार लिखने से चीजें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है, तो इसलिए आप भी हर चीज को बार बार नोट करिए. ठीक है, देन 4 sec square 30. 4 sec square 30 sec कहाँ पर है? ये 4 को तो कुछ नहीं करना आपको, sec 30 की वैल्यू लिखनी है और उसका स्क्वायर करना है. sec 30 की वैल्यू कितनी है? 2/√3. तो आई रोट दिस हियर अगेन, sec 30 इज √3/2. 10/45 अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, बहुत ईजी है. 10/45 की वैल्यू 10 और cot 45 दोनों ही 1 होते हैं, तो बहुत ईजी है ये, भूलना नहीं इसको. देन साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, पिछले सम से हम कर रहे हैं 1/2. कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2. ठीक है, ये हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है, हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे. कॉस 60 1/2, सेक 30 इज 2/√3, 10/45 इज 1, कॉस 30 इज 1/2 एंड कॉस 30 इज √3/2. अब क्या करना है? यस yes, ये वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर हमने 5 को ऐसे ही रखा है. कॉस 60, कॉस 60 कितना है? 1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4, 4 को वैसे ही रखा है. सेक 30 कितना है? 2/√3, इसका हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, माइनस 10 की वैल्यू. 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है. साइन स्क्वायर 30 कितना होगा? 1/2, उसका स्क्वायर किया है. क्यों? क्योंकि दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 करना है हमें. कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर. अब बस आपको जैसे कि आपने पहले भी किया हुआ है फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, इजिली मल्टीप्लीकेशन और करना है. तो योर 5 × इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 1/2 का क्या होगा? 1/4 प्लस 4. 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको? स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, माइनस 1. और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर किया है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, अगेन √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 4. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा, ये मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. मैं यहाँ पर मैंने एक एक स्टेप किए हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे 5 × 1 = 5, 5/4 हो गया, प्लस 4 × 4 = 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाय क्या करोगे? यस, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर यहाँ बात कर रहे हैं हम, 4 डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक बार लिखा 1 + 3. सो वी गॉट दिस. अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे. ये क्या है? फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को इजीली सॉल्व करना है. यहाँ पर एलसीएम ले लो. ठीक है, सो अगेन आई रोट दिस हियर. यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो हमें कितना मिला? 15 + 64 − 12 / 12. और 1 + 3 कितना था? 4 / 4 हो जाएगा. तो यहाँ पर 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका? बहुत इजी है, 15 + 64 करिए माइनस 12 करिए तो आपको कितना मिलेगा? 67 / 12. एंड दिस इज आवर आंसर.
So this sum is question number 1 is over now. See बेटा, don't forget to smile today. ठीक है, जो भी हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, don't get depressed. आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, practice करोगे, हो जाएगा. कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो. So please don't forget to smile. Thank you for watching, kids.